नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मकर संक्रांति के साथ ही कल से बजने लगेगी शहनाई। आज समूचे बिहार में मकर संक्रांति का त्यौहार बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी दिन लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान ध्यान करके तिल, खिचड़ी, अन्न आदि का सेवन करेंगे, जिसके बाद कल से यानी कि 16 जनवरी से गली मोहल्ले में एक बार फिर से ढोल नगारे और शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेगी। क्योंकि मकर संक्रांति के खत्म होने के साथ साथ खरमास का महीना भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद से शादियों के मुहूर्त का शुभारंभ हो जाता है। पूर्णियावासी पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामले में है अव्वल। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के मामले में बिहार का पूर्णिया जिला सबसे पहले पायदान पर रहा। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए शोध की माने तो पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा लोगों का पासपोर्ट वेरीफाई किया गया है, जिसके पश्चात लगातार दूसरी बार पूर्णिया पहले पायदान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाया है। वहीं अगर हम दूसरे पायदान की बात करें तो खगड़िया दूसरे स्थान पर जगह बनाने में कामयाब रहा, तो वहीं पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामले में लखीसराय सबसे अंतिम पायदान पर रहा। हालांकि अभी चारों तरफ इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पूर्णिया केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पासपोर्ट वेरीफाई करवाने के मामले में पहले स्थान पर है। 2019 तक बीएड करने वालों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन। जिन भी अभ्यर्थियों ने साल 2011 में एसटीईटी परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी उनके लिए खुशखबरी, क्योंकि अब उन्हीं अभ्यर्थियों के पास शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार अब उन शिक्षकों को शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा जिनका रिजल्ट साल 2019 के अगस्त महीने तक आया हो, जिसके तहत अब उन सभी अभ्यर्थियों को छठे चरण के शिक्षक नियोजन में भाग लेने के लिए भी योग्य माना जाएगा। वन विभाग ने वन रक्षक और रेंजर पदों के लिए निकाली रिक्तियां। वन विभाग दिल्ली ने फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर और गार्ड पदों के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत वन विभाग ने 226 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वन रक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं रेंजर पद के लिए विज्ञान या इंजीनियरिंग से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं इन पदों के लिए अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, वहीं अधिकतम आयु 27 साल होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 13 फरवरी 2020 तक forest.delhigovernment.nic.in पर कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। हैवी वाटर बोर्ड ने निकाली रिक्तियां। हैवी वाटर बोर्ड ने तकनीकी अधिकारी और चालकों के लिए 277 पदों के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर पद के लिए अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य होगा। वहीं कैटेगरी 1 और 2 स्टाइपेंडरी के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री का होना अनिवार्य होगा। वहीं नर्स, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप AB के लिए भी अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जो कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवार 31 जनवरी तक SWB.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। शिक्षकों के वेतन के लिए जारी की गई राशि। सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए उनके वेतन की राशि जारी कर दी है, जिसके तहत बिहार सरकार ने कुल 769 करोड़ की राशि आवंटित की है। ज्ञात हो शिक्षा विभाग ने सरकार से मिली इस राशि को सभी जिले में जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सभी शिक्षकों को सितम्बर महीने तक का वेतन मुहैया करवा दिया जाएगा। रणजी ट्रॉफी में बिहार के खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में खेले गए रणजी ट्रॉफी में मैच में बिहार के खिलाड़ियों का बोलबाला रहा, जहां पर बिहार ने मणिपुर को 183 रन और एक पारी से हराकर यह जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार और मणिपुर के बीच खेले गए इस मैच में बिहार ने पहली पारी में 431 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके मुकाबले मणिपुर की टीम पहली पारी में मात्र 94 रन बनाकर पवेलियन में वापस लौट गई। वहीं बिहार की इस जीत की बात करें तो बिहार के अभिजीत का प्रदर्शन सराहनीय रहा, जहां पर अभिजीत ने पहली पारी में 7 तो वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट लेकर बिहार को यह जीत दिलाई है। हिंदी के मशहूर आलोचक खगेंद्र ठाकुर ने दुनिया को कहा अलविदा। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और भारतीय सीपीआई नेता खगेंद्र ठाकुर अब हमारे बीच नहीं रहे। ज्ञात हो खगेंद्र ठाकुर का जन्म 9 सितंबर 1937 में झारखंड के गोड्डा के मालिनी गांव में हुआ था। लंबे समय से खगेंद्र ठाकुर की सेहत ठीक नहीं चल रही थी, यही कारण रहा कि 82 साल की उम्र में उन्होंने एम्स परिसर में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान में खगेंद्र ठाकुर पटना के राजीव नगर रोड नंबर 24 में अपने परिवार के साथ रहते थे। 31 जनवरी से 2 दिन तक बैंक की सेवाएं रहेंगी बंद। आम नागरिकों के लिए अहम सूचना, अगर आपको भी अपने बैंक संबंधी कोई जरूरी काम है तो जल्दी निपटा लें, क्योंकि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बैंक की सभी सेवाएं बंद रहेगी, क्योंकि सभी बैंक कर्मी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दरअसल ये सभी बैंक कर्मी 15% से अधिक वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी बैंक कर्मियों ने यह साफ कर दिया है कि अगर सरकार उनकी इन मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो मजबूरन उन्हें अनिश्चित समय तक बैंक की सेवाओं को बंद रखना पड़ेगा।
जमुई के सिमलतुल्ला हिल स्टेशन पर आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मिनी शिमला के नाम से विख्यात सिमलतुल्ला अपने प्राकृतिक सुंदरता और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है। भारतीय पौराणिकता के अनुसार महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस का साधना स्थल के रूप में यह बेहतर जाना जाता है। यहाँ ठंड के दिनों में पर्यटक सिमलतुल्ला के हरे भरे बाग बगीचे, सुंदर सुंदर झरने व पहाड़ों का दीदार करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ दो बार भ्रमण के लिए आए एवं अपने किताब में यहाँ की जलवायु की प्रशंसा की है। अब आइए जानते हैं बिहार के इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे श्वेता बासु प्रसाद की। श्वेता का जन्म 11 जनवरी 1991 में अखंड बिहार के जमशेदपुर जिले में हुआ था, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है। श्वेता ने फिल्मों में काम करना बचपन से शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, श्वेता ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, तेलुगु और तमिल की फिल्मों में भी काम किया है। यहां तक कि श्वेता को फिल्म मकरी में उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, और यही वो फिल्म है जिसमें श्वेता ने अपनी बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। ठंड के असर से अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। ठंड का असर लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। धूप नहीं निकलने के कारण पटना समेत कई जिलों का ठंड के कारण बुरा हाल है। बीते मंगलवार की बात करें तो भागलपुर, पूर्णिया, छपरा सहित कई इलाकों में ठंड का असर सबसे ज्यादा रहा। यहां तक कि पटना भी मंगलवार के दिन कोल्ड डे की चादर से लिपटा रहा। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ जिलों में हल्की धूप निकलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ठंड का असर देखते हुए राजधानी पटना के कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सिपाही बहाली परीक्षा के लिए जारी की गई अधिसूचना। बिहार पुलिस सिपाही बहाली के दूसरे चरण के 11,880 पदों की परीक्षा 20 जनवरी को होनी है, जिसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में अधिसूचना जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले चरण की परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षार्थियों के बर्ताव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों से इस बार होने वाले इस परीक्षा में खास ध्यान रखने को कहा है, जिसके पश्चात 550 केंद्रों पर दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था ध्यान रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। 85 साल बाद एक बार फिर कोसी और मिथिलांचल के बीच दिखेगी ट्रेन। कोसी और मिथिलांचल वासियों का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है, जिसके तहत अब कोसी और मिथिलांचल के बीच ट्रेनों के परिचालन शुरू हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोसी और मिथिलांचल के बीच में बनने वाले इस पुल को सरायगढ़ की ओर से जोड़ा जा रहा है, जहां पर वर्तमान में इस रेलखंड का काम आखिरी चरण में है। रेलवे निर्माण के प्रशासनिक अधिकारी की माने तो 31 मार्च तक इस पटरी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और साथ ही ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। रघुवंश प्रसाद यादव ने कहा, पार्टी के अंदर है ऑल इज वेल। जहां एक ओर राजद पार्टी के अंदर खाने में अनबन की बात सामने आ रही है, वहीं राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने मीडिया को यह संतावना देते हुए कहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई मतभेद फिलहाल पार्टी के अंदर नहीं चल रहा है। मैंने जो भी कुछ कहा है वो पार्टी से मतभेद के कारण नहीं कहा है, बल्कि मैंने बस पार्टी की खामियों को राजद सुप्रीमो के सामने उजागर किया है। बिहार में जल्द ही 12,000 होमगार्ड जवानों की होगी बहाली। नौकरी की तलाश कर रहे सभी युवाओं के लिए अहम सूचना। बिहार में 12,000 होमगार्ड की बहाली का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके तहत अगले महीने से लगभग सभी खाली पड़े पदों पर बहाली की प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाएगा। डीजी आर के मिश्रा की माने तो होमगार्ड जवानों की इस बहाली में 35% महिलाओं की बहाली की जाएगी, जिसके लिए जल्द ही सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया जाएगा। बांका में मंदार महोत्सव की हो गई है शुरुआत। 4 दिवसीय मंदार महोत्सव का शुभारंभ कल यानी कि 14 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन सांसद गिरिधारी यादव की अध्यक्षता में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने किया है। आपको बता दें, इस महोत्सव में लगातार 3 दिनों तक बॉलीवुड कलाकारों से लेकर स्थानीय कलाकारों का आना जाना लगा रहेगा। इतना ही नहीं, 4 दिवसीय इस महोत्सव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर चाक चौबंद की सारी तैयारियों पर भी अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। परीक्षा पर चर्चा में मुंगेर के 2 छात्रों का हुआ चयन। 20 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में मुंगेर के 2 छात्रों का चयन किया गया है। यह छात्र मुंगेर जिले के जमालपुर डीएवी स्कूल के हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 20 जनवरी को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार से लगभग 70 छात्रों का ऑनलाइन परीक्षा के तहत चयन किया गया है, जिसके तहत अब ये सभी छात्र 18 जनवरी को दिल्ली पहुंच जाएंगे। जल जीवन हरियाली से जुड़े बुकलेट का हुआ लोकार्पण। जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जनवरी को श्रृंखला का भी आयोजन किया है, जिसके तहत आम नागरिकों को जल जीवन हरियाली यात्रा से संबंधित जानकारियों से अवगत करवाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रृंखला के लिए आयोजित की गई समीक्षा बैठक में जल जीवन हरियाली से जुड़े बुकलेट का लोकार्पण भी किया।
एक बार फिर गठबंधन में देखने को मिल सकता है बदलाव। भाजपा नेता संजय पासवान के बयान को सुनकर आप भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। हाल ही में भाजपा नेता संजय पासवान ने मीडिया को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि आने वाले समय में अगर किसी कारणवश भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार नहीं चलती तो ऐसे में भाजपा बिहार में नई गठबंधन की सरकार बनाने में हिचकिचाएगी नहीं। ऐसे समय में भाजपा नेता की तरफ से आया यह बयान कई मायनों में नापा तोला जा रहा है, क्योंकि अगर हम एनडीए के वर्तमान हालात की बात करें तो फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच में आपसी मनमुटाव बना हुआ है। ऐसे में संजय पासवान का यह बयान राजनीतिक नेतृत्व में काफी अहम माना जा रहा है। दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने पर गिरिराज सिंह ने की टिप्पणी। भाजपा के बड़बोले नेता गिरिराज सिंह ने दीपिका पादुकोण के जेएनयू दौरे पर अपनी टिप्पणी दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि दीपिका हो या कोई और हस्ती, यह उनका ही धर्म है कि वो इस बात को सोचे कि जिस जगह पर जाकर वो लोगों को संतावना दे रहे वहां के लोग पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। ऐसे में किसी भी कलाकार की उपस्थिति आम नागरिकों को क्या संदेश देगी, यह सोचना और इस पर अमल करना उनका काम है। चिराग को लेकर दिए बयान पर लोजपा ने तेजस्वी को दी नसीहत। भले ही विधानसभा चुनाव आने में समय है, मगर राजनीतिक गलियारे में बयानबाजियों का दौर चालू है। इसी क्रम में हाल ही में राजद नेता तेजस्वी यादव ने लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा करता था तब वो मुझे आरएसएस के बारे में बहुत समझाते थे और आरएसएस से बचकर चलने की नसीहत देते थे, लेकिन अब शायद यही नसीहत वो चिराग को देते होंगे। जिस पर जवाब देते हुए लोजपा के राजू तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी चिंता करे, चिराग की नहीं, वो जहां है बिल्कुल ठीक है। इंस्टाग्राम में दिखेगा अब नया फीचर। सभी इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए अहम सूचना, अब जल्द ही इंस्टाग्राम में एक नया फीचर देखने को मिलेगा, जिससे कि अब सभी यूजर्स को शॉर्ट वीडियो बनाना और भी मजेदार हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इंस्टाग्राम में अब टिकटॉक की तरह ही नया बूमरैंग स्टोरी फीचर को रोल आउट किया गया है। इस नए फीचर में स्लोमो, इको, डुओ सभी ऑप्शन शामिल है। इतना ही नहीं, इस नए फीचर की मदद से आप अपनी बनाई गई वीडियोस को ट्रिम भी कर सकते हैं। जॉन अब्राहम ने अरशद वारसी को गिफ्ट की एक बाइक। जॉन अब्राहम और अरशद वारसी के बाइक के शौक का अंदाजा हम उनकी सोशल मीडिया साइट को देखकर ही लगा सकते हैं, जहां पर आए दिन दोनों ही अभिनेता अपनी अपनी बाइक के साथ तस्वीर शेयर करते रहते हैं। हाल ही में ऐसी खबरें भी आई थी कि जॉन अब्राहम ने अरशद वारसी को बेहद ही महंगी बाइक तोहफे के रूप में दी है। यहां तक कि अरशद वारसी ने खुद भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि जॉन ने मुझसे मेरी पसंद के बाइक के बारे में पूछा था, मुझे लगा वो अपने लिए लेना चाहते थे, मगर अगले ही दिन मुझे वह बाइक तोहफे के रूप में उन्होंने दे दी। तो अब चलिए जानते हैं अजब गजब नुस्खे के बारे में। आज हम बात करेंगे एलोवेरा के बारे में। भले ही एलोवेरा देखने में बेहद ही अजीब लगता हो, मगर इसके सेवन से इंसान के शरीर से आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, एलोवेरा चेहरा और बालों दोनों को स्वस्थ बनाने में बेहद ही कारगर साबित होता है। चेहरे से जुड़ी किसी भी तरह की समस्याओं का एलोवेरा प्राकृतिक उपाय है। एलोवेरा को आमतौर पर लोग घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें शरीर से जुड़ी किसी भी समस्या के निवारण के गुण मौजूद होते हैं। एलोवेरा के इतने फायदे हैं कि इसे संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, पिछले चुनाव की भांति इस बार भी क्या राजद और जदयू को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।